गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे। व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह से। सुबह के बज चुके हैं 8:30 और 8:30 बजे ही वॉशिंग मशीन चल चुकी है। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी और अभी ढेर सारा काम करने के लिए, क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत है मेरे दोस्त। मैं तो फ्री हूँ, बस एक ही काम है मेरे को। क्या वो काम है? बस इंग्लिश का। अरु अरु तो अभी शांति का दान देते हुए उर्वी, मुझे काम करना है लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रही है, तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ काम लग जाते हैं काम पे, क्योंकि संडे हो या मंडे काम तो करना ही पड़ेगा ना। क्या तब तक उर्वी करो ना, मैं सा हूं और मेरे पेट पे मत चढ़। तो आप इसके ब्रो नहीं हो? ब्रो, ये ब्रो क्या होता है? ब्रो मींस ब्रदर, ब्रदर ब्रदर नहीं हो आप इसके? बड़े भाई नहीं हो आप इसके? पर ये कब 5 साल की होगी भाई? जब ये 5 साल की होगी तो क्या हो जाएगा? तब आप 10 साल की हो जाऊंगी। हाँ तो फिर पर तब भी ये 5 साल की होगी कब? 5 साल बाद मैं चाहता हूँ इससे बात करूँ। बात तो करने लग जाएगी थोड़े दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 1 ईयर के बाद। 1 साल की भी नहीं। तो सुबह से लेके मुझे कैमरा उठाने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे, 3 तो बेडशीट सी थी धोने के लिए। तो अब जाके परांठे बनाने की जो फुर्सत है वो मिली है। तो यहाँ पे ये रहा मूली, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से, पानी जो इसका निचोड़ दिया है। हरी मिर्च डाली है इसमें और ये डाला है मैंने इसमें आमचूर। और यहाँ पे ये अदरक और लहसुन, आपको पता है मेरा स्टाइल, वो मैंने लहसुन को भून के थोड़ा सा फिर उसको कूट के अदरक और लहसुन ऐसे डाल दिया। अभी मुझे इसे मिक्स करना है नमक वगैरह डाल के। मसाला मैं कोई यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली नमक और ये हरी मिर्च। धनिया मिला नहीं है, अदरवाइज धनिया होता तो मज़ा आ जाता। तो अब बनाएंगे हम परांठे, खाएंगे, फिर नहाने वहाने का जो काम है वो उसके बाद होगा, क्योंकि कपड़े अभी इतने सारे थे धुलने के लिए तो वो ज़्यादा ज़रूरी थे पानी रहते रहते धोने के लिए। तो अभी जो है मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और अब हम फटाफट से पराठे बनाएंगे। अदरवाइज़ फिर नमक डालने के बाद आप चाहे मूली को जितना मर्जी निचोड़ लो, उसमें से फिर पानी जो है वो निकलता ही निकलता है। तो जल्दी से पराठे बनाते हैं, खाते हैं और फिर आप लोगों से जो है अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये रहे हमारे मूली के पराठे जो कि रेडी है, और ये नीरज के लिए बन रहा है सनी साइड अप, तो मेरे से ऐसा ही बन पाता है तो मैं ऐसा ही बना रही हूँ। और ये रही चाय, और ये रहा गंदा गैस जो पूरा तेल ही तेल हो रखा है, बट अभी साफ़ करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। इनके लिए अंडा बना लेती हूँ, पराठे बन चुके हैं, आधे तो ऑलरेडी जो है खाने बैठ चुका है। गुड आफ्टरनून, तो दोपहर के 3 बज गए हैं और अब जाके नहा गए हैं हम, और शीशा की तक गंदा हो रहा है। तो मैं जो है रेडी हो गई हूँ, क्योंकि संडे हो, छुट्टी हो और हम कहीं ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। जाते तो हम लोग ज़रूरत के काम से ही हैं, बेफालतू फिजूल नहीं जाते हैं, कुछ ज़रूरी काम हो तभी निकलते हैं या फिर कुछ, हाँ वही ज़रूरी काम हो तभी। तो अभी बाल धुले हैं, मैं जाऊँगी छत पे, बाल भी सुखाऊँगी और कपड़े पड़े हैं छत पे, वो भी रजाइयाँ वगैरह सब कुछ पड़ी है। यहाँ पे बेडशीट वगैरह कुछ नहीं बिछी है। मम्मी मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्या है भी दो कि थोड़े से कपड़े ना गिर गए हैं। तो आपने उठाए क्यों नहीं? हवा चल रही है क्या ऊपर? हवा चल रही है क्या? पहले चली थी बहुत तेज, अब नहीं। तो बाल भी सूख जाएंगे और कपड़े भी उठा लूँगी और ये बाल जो है सुलझा भी लूँगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, काम वाम कर लेते हैं। एक ब्लॉग मैंने अपलोड किया है उसमें थंबनेल लगा लेते हैं और टाइटल, अरे प्रेस अभी तक गर्म है, और टाइटल वगैरह सब कुछ।
जाओ नहाने जी, मास्क लगा के बैठे हुए हैं। पापा धीरे धीरे गुड्डू उठ जाए, नहाने जाओ। अभी परी सोई हुई है ना, तो जब तक वो सोई है तब तक हमें जल्दी से अपने काम निपटाने पड़ते हैं। तो वो सोई है तब तक मैं भी अपना चैनल का जो काम है वो कर लेती हूँ। हाँ और क्या, ये तो मेरा काम है तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों, जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, वैसे मम्मा का काम है ब्लॉग करना। ये टॉप ना मैंने 4 साल पहले लिया था, कुछ ऐसे लिया था, अभी भी आ जाता है रिलायंस ट्रेंड। उस टाइम पे मुझे लूज था, अभी मुझे बिल्कुल ठीक है। बुलबुल अभी तक सोई हुई है, सोई रहे तो ठीक है, और सर्दियों में ना मेरी टांग की से बहुत चढ़ती है, पता नहीं क्यों। पहले मुझे यूरिक एसिड था लेकिन वो अब ठीक है, बट अंदर से चढ़ती चढ़ती है। ऊपर एज यूजुअल बादल ही है लेकिन यहाँ मौसम साफ है अच्छी खासी। उधर गुड्डू के कपड़े टंगे हुए हैं, ये बेड शीट दो यहाँ पे, एक थोड़ी आगे जाके, तो सारे कपड़े सूख गए, सारे उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग बैठे हैं छत पे, और कंघी जो है मैं नीरज से करवा रही थी। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने सोचा कि ये आराम आराम से करेंगे, मैं जल्दीबाजी में करती हूँ ना, तो फिर कई बार बाल वगैरह मेरे बहुत ज़्यादा टूटते हैं जब मुझे जल्दी होती है। मैंने सोचा इनसे करवाती हूँ, बाल सूख भी जाएंगे अच्छे से और कंघी भी हो जाएगी, बट इनको कंघी करनी आ ही नहीं रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कोई दिक्कत है या तब ये कंघी कर रहे हैं, बट मैंने वैसे ही बोला इनको कि तुम कंघी कर दो, बाल अच्छे से धूप में ऐसे सूख भी जाएंगे और टूटेंगे भी कम। पर जब कोई काम किया ही नहीं हो पहले तो फिर बाद में अचानक से कैसे आएगा ये मुझे भी देखते हुए भी हंसी आ रही, इनको नहीं आ रही थी, फिर बाद में मैंने इनसे कंघी ले ली। और दूसरी बात ये होती है ना कि मैं इसे बालों में किसी और से कंघी वगैरह करवाना, मुझे बहुत दर्द होती है बालों में तो मैं करवाती नहीं हूँ। वैसे मैं टच भी नहीं करने देती किसी को ऐसे बाल कंघी करने के लिए, पर मैंने सोचा करेंगे बट आई नहीं इनको करनी। और जब मेरी उर्वी हुई थी ना तो भी मेरे से ना कंघी नहीं किसी से करवाई जाती थी, तो मैं आराम से बैठ के खुद ही करती रहती थी। मेरे बाल खींचते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है बालों की वजह से, पता नहीं क्यों। पर कपड़े हमने उठा लिए हैं, ये देखो कंघी हो गई है, भैया भी आ गए हैं। आज बहुत कपड़े धुले, रजाई भी है बाहर, सारे मैंने धुले हैं। हाँ सारे तुमने धोए हैं, झाड़ू मैंने लगाया, पोछा लगाया। हाँ वो तो लगाया है तुमने, झाड़ू पोछा तो लगाया है इन्होंने। ये इससे तो नहीं परफ्यूम लगाया तुमने, इससे तो नहीं हो रहा है। कपड़े तो वैसे मैंने तह लगा दिए हैं पर आके रखने पड़ेंगे अलमारी में। ढंग से पहनना सॉक्स बेटू, आप हर कुछ करते हो है ना।
अच्छे से पहनना सॉक्स, आप टेढ़ी मेढ़ी पहनते हो बहुत, है ना। तगली ने अपना तगलू पकड़ा हुआ है सोते हुए नींद में। जो जो बेडशीट जिस जिस कमरे से निकाली है वही वही बिछा देंगे, है ना। पर बाद में बिछेंगे, मैं रेडी हो लेती हूँ, शूज वगैरह पहन लेती हूँ, बिछा दूंगी। या तुम्हें कब बोलती हूँ मैं ऐसे काम करने के लिए, तुम्हें कभी बोला मैंने ऐसे काम करने के लिए? गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, और ये जो व्लॉग है ये मैंने एंड नहीं किया था, तो इस व्लॉग को जो है मैं एंड भी कर देती हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा सा हो रहा है बाहर, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उर्वी सो रही है, आदित्य भी अपना रूम में बैठा हुआ है। तो अब मुझे पूरा काम वाम जो है वो करना है, लेकिन अब मैं इस व्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। साथ ही साथ ये जो व्लॉग है मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूंगी, हिमाचली लाइफस्टाइल पे। और इसके बाद हम कहाँ गए थे, ये व्लॉग मतलब जो आपने देखा कि मैं रेडी हो गई हूँ, वो आपको मेरे हिमाचली व्लॉगर पूजा चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है इसको करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और फेस्टिवल आने वाले हैं, दिवाली, धनतेरस, सब कुछ अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट कीजिएगा। ये जो व्लॉग है आपको धनतेरस वाले दिन ही मिलने वाला है, तो आप लोग क्या क्या खरीदने की सोच रहे हो धनतेरस पे, और क्या खरीदना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए बाय, टेक केयर।